सबसे पहले फोटोशॉप को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद कंट्रोल एन करेंगे, यहाँ से 8x10 का पेज लेकर इसको ओके कर दिए। उसके बाद डबल क्लिक किए, यहाँ से कुछ PNG को हमने डाउनलोड किया हुआ है, जो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके इसलिए डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके जब इसको ओपन कीजिएगा, उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। साथ ही हम कुछ इतना पे इसको मूव करके ला दिए। लाने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा वर्क करना हमको होगा। सबसे पहले ब्रश पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से एक सॉफ्ट ब्रश को ले लेंगे। यहाँ से कैपेसिटी आपको थोड़ा हाई कर देना है, ताकि ये ब्रश मोटा हो कुछ इतना पे। जैसे मैं यहाँ से एक नया पेज को ओपन कर देना है। अगर लेयर ओपन ना हो तो विंडो बटन पे क्लिक कीजिएगा, लेयर पे टिक कर दीजिएगा तो लेयर ओपन हो जाएगा। यहाँ से कुछ इतना पे इसको हम ड्रॉप कर दे रहे हैं। ये तो हो गया। अब आपको फिर से यहाँ से कलर को चेंज करके व्हाइट ले लेना है, इसको ओके करना है और नीचे कुछ इतना पे इसको ड्रॉप कर देना है। जब नीचे भी ब्रश कर दीजिएगा, उसके बाद सबसे नीचे यहाँ पे भी कलर चेंज कीजिए और ओके कीजिए, और सबसे नीचे भी आपको कलर कर देना है। जैसे मैं देख सकते हैं ये तिरंगा कलर में हमने यहाँ पे कलर कर दिया। अब जब इतना कंप्लीट हो जाए, उसके बाद यहाँ पे जो 100% दिख रहा है, 50% के आसपास में इसको कर दीजिएगा, जिससे कलर कुछ इतना पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो यहाँ पे ये PNG को हम लाए हुए थे, इस PNG को कट कर दे रहे हैं। डबल क्लिक किए और ये PNG को हम ले लिए। उसके बाद मूव टूल पे क्लिक कर रहे हैं, साथ ही कुछ इतना पे इसको ड्रॉप कर दिए। करने के बाद अब कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, शिफ्ट और अल्ट दबाकर इसको छोटा कर लेंगे और एडजस्ट हम कुछ इतना पे इसको कर लिए। उसके साथ ही साथ इंटर बटन प्रेस कर दे रहे हैं। यहाँ से कैपेसिटी आपको 100% है, इसको 20-30-25 तक की इसको मैक्सिमम कर दीजिएगा, ताकि इसमें मिक्स हो जाए। जब इतना कंप्लीट हो जाएगा, उस पर डबल क्लिक कीजिए। लाल किला PNG को हमने डाउनलोड किया है, इस PNG को हम ले रहे हैं। उसके बाद मूव टूल पे क्लिक किया और नीचे में ड्रॉप कर दिए, यहाँ पे ला दिए। लाने के बाद इसको हम जूम कर ले रहे हैं, कंट्रोल टी करके शिफ्ट और अल्ट दबाकर इस PNG को थोड़ा हम बड़ा कर ले रहे हैं। उसके बाद इंटर बटन प्रेस कर दिए। उसके बाद मैजिक टूल पे क्लिक करेंगे और इसको हम कुछ इतना पे डिलीट कर देंगे, ये फ्रेश हो जाएगा। बीच बीच में आपको दिखता हो तो कुछ इतना इतना पे क्लिक कीजिए और शिफ्ट दबाकर सब कुछ सेलेक्ट करके उसके बाद डिलीट कर दीजिएगा। जैसे मैं हम चलिए इसको फटाफट डिलीट कर दे रहे हैं। पूरा सेलेक्ट कर लिए, करने के बाद यहाँ से डिलीट बटन प्रेस कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल डी कर दिए, ये फ्रेश हो गया। यहाँ पे तिरंगा आपको दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है, तो हम इरेजर पे क्लिक कर रहे हैं। यहाँ से इरेजर को हार्डनेस इरेजर ले लेंगे। उसके बाद जूम करके इरेजर को, जो तिरंगा है इसको हम यहाँ से एडिट कर दे रहे हैं, यानी इरेज कर दे रहे हैं। उसके बाद आपको मूव टूल पे क्लिक करना है और इसको ऊपर ले जाना है। साथ ही साथ कंट्रोल टी बटन प्रेस कीजिए, शिफ्ट और अल्ट दबाकर इसको थोड़ा जूम कर लीजिए इतना पे। अब इंटर प्रेस कर दिए। अब आपको फिर से इरेजर लेना है और यहाँ से आपको सॉफ्ट इरेजर पे क्लिक कर दीजिए। अब इसको आप ब्रश को जूम करके कुछ इतना पे ऐसे इरेज कर दिए, ताकि इसके अंदर मिक्स हो जाए। जैसे हम देख सकते हैं हमने कुछ इतना पे इसको इरेज कर दिया, साथ ही साथ इधर भी कर दे रहे हैं, नीचे से भी कर दे रहे हैं। अब इसके अंदर ये इरेज हो गया। फिर से इसको छोटा कर दे रहे हैं, डबल क्लिक किए, यहाँ से जो हम लोग का फ्लैग है उस फ्लैग को ले लिए। उसके बाद मूव टूल पे क्लिक करेंगे और इसको कुछ इतना पे ड्रॉप करके ला देंगे। लाने के बाद कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, शिफ्ट और अल्ट दबाकर इसको छोटा कर लिए। अब ऊपर यहाँ पे ला दिए, फिर से इसको और थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं। यहाँ सेटअप कर लिए, इंटर बटन प्रेस किए। उसके बाद मैजिक टूल पे क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करके जब डिलीट करेंगे तो ये पूरा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब इतना कंप्लीट हो जाए, अब आपको फिर से इसको थोड़ा जूम कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ जितना आपको साइड साइड में दिख रहा है जो फालतू हो, उसको आप डिलीट कर दीजिएगा। डिलीट करने के बाद अगर ये पूरा परफेक्टली डिलीट ना हो, तो आप इरेजर पर क्लिक करके इसको इरेज भी करके डिलीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। जैसे मैं जब इतना कंप्लीट हो जाए, उसका मूव टूल पे क्लिक करना है, इसको आपको सेटअप कर लेना है। जैसे मैं इतना पर हम इसको सेटअप कर ले रहे हैं और यहाँ से जो लेयर नंबर 5 दिख रहा है, इसको नीचे में ड्रॉप करके हम कर दे, ताकि इसके बैक में तिरंगा चला जाए और ये ऊपर चला जाए, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड,
जब इतना ये बन जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे टैक्स लिखना है। टैक्स के लिए भी हमने पीएनजी को डाउनलोड किया हुआ है, यहाँ पे टैक्स को भी हम सेलेक्ट कर लिए। यहाँ से सेलेक्ट टूल पे क्लिक करेंगे और इसको क्रैप करके कुछ इतना पे सेलेक्ट कर लिए, उसका मूव टूल पे क्लिक किए और इसको ड्रॉप करके ला दिए। अब ये जो टैक्स है इसको हम ऊपर में ड्रॉप कर दे रहे हैं ताकि इसके ऊपर आ जाए, और मैजिक टूल पे क्लिक करेंगे और साइड में क्लिक करके डिलीट बटन प्रेस कर देंगे, ये तीर फ्रेश हो जाएगा। बीच बीच में दिख रहा है तो इसको भी ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद जब इतना कंप्लीट हो जाए, अगर कलर मैच कर जाए तो यहाँ से करना आपको यहाँ कंट्रोल यू कीजिएगा, से कलर जो मर्जी हो उसको एक्सचेंज भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं ये हम कलर ले लिए, फिलहाल हम तो यहीं रहने दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है यहीं, और इसको ऊपर में है ड्रॉप कर दिए। साथ ही कंट्रोल टी बटन प्रेस करेंगे, इसको थोड़ा जूम कर लिए। अब देख सकते हैं यहां तक तो ये बन के कंप्लीट हो गया। अब नीचे आपको लिखना है कुछ, ऐसे में कुछ टेक्स्ट लिखना है या कोई पीएनजी फोटो लगाना है, जिसको अगर आपको फोटो लगाना है तो डबल क्लिक कीजिए, आप अपना फोटो को सिलेक्ट कर लिए। जहां पे जैसे में जहां पे हमारा फोटो है, इस फोटो को हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं, डाउनलोड में गए और यहाँ से इस फोटो को ले लिए, कुछ इतना पे ड्रॉप करके लाए, यहाँ पे हम सेटअप कर दिए। उसके बाद कंट्रोल टी करेंगे, शिफ्ट दबाकर इसको जूम कर लेंगे। उसके बाद एंटर कर देंगे, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। साथ ही इधर आप भी आपको फोटो लगाना है जिसको आप फोटो लगा सकते हैं, अदरवाइज कुछ टेक्स्ट लिखना है जिसको टेक्स्ट को आप लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको अपना नाम लिखना है, जो अपना नाम कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कुन्नराज। यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिए, यहाँ से इसका कलर चेंज करना है तो कलर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप इसका कलर को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे व्हाइट कर ले फिलहाल। उसके बाद इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे और सेकंड वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से स्टॉक को हम लगा दे रहे हैं ताकि इसके साइड साइड में स्टॉक हो जाए, उसको इसको जूम कर लिए।